नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स नॉर्थ साइड ईएसआईसी जीएमसीएच पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्शनल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं इंटरनेशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ पे हम एम्स नॉर्थ साइड के बारे में जो आने वाले इंपॉर्टेंट ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको विद रैशनल सॉल्व करते हैं। ये क्लासेज रोज रात को 9:30 बजे ऑर्गेनाइज होती है, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज 9:30 बजे इस क्लास से जुड़िए और अपने ज्ञान के भंडार को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एम्स तक पहुंचाने में शायद मददगार सिद्ध होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में शुरुआत करते हैं एक नई एनर्जी और नए जोश के साथ में एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का। शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को हम मदद कर पाए, मैक्सिमम लोगों को हम कनेक्ट कर पाए और उनके उज्ज्वल भविष्य में अपना 0.01% का कोई रोल अदा कर पाए। शुरुआत करते हैं बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज के इस सेशन का, शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो है ये जोधपुर के अंदर स्थित है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर आप डिस्टेंट लर्निंग करना चाहते हैं तो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर दीजिए, प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करना तो पहुंच जाइए टीम नोवल के साथ, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। इवनिंग बैच रनिंग है, मॉर्निंग बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग बैच के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें। नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। अगर आप मॉर्निंग बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से आज ही कॉल लगाएं और रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट कंफर्म कर देवे। बहुत जल्द मॉर्निंग बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आगे लेके चलता हूँ आज के इस क्वेश्चन सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। Question is asking a lady who have G2PA has last menstrual period 9 weeks ago. She present with bleeding and passage of tissue per vaginum. Bleeding हो रही है और per vaginum tissue pass कर रही है. Bleeding is associated with lower abdominal pain. ये जो bleeding है उसमें lower abdominal pain भी हो रहा है. Question ने पूछा है the most likely diagnosis. क्या diagnosis रहेगा इस lady का, मतलब 9 week ऑफ गैस्टेशन लेडी लेके आई, 9 week जो है का गैस्टेशन है और ब्लीडिंग लेके ये प्रेजेंट हुई है और उसमें कुछ टिश्यू पास कर रही है और ब्लीडिंग जो है उसके साथ में लोअर एब्डोमिनल के अंदर पेन भी है। तो तीन बातें हैं, परवेजेनल ब्लीडिंग हो रही है, उसमें टिश्यू पास हो रहा है इसका मतलब उसको अबॉर्शन हुआ है, और ये जो ब्लीडिंग है वो पेन के साथ में एसोसिएटेड है। क्या डायग्नोसिस रहेगा आपका? पहला बोला जा रहा है थ्रेटन्ड अबॉर्शन, सेकंड ऑप्शन है इन इवाइटेबल अबॉर्शन, थर्ड ऑप्शन है इनकम्प्लीट अबॉर्शन और लास्ट ऑप्शन है ट्विन प्रेगनेंसी। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा? ये किस तरीके का अबॉर्शन है? अबॉर्शन ही हो रहा है, ये सिंपल सी बात है। तो अबॉर्शन किस तरीके का है? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन, थ्रेटन्ड वर्ड का मतलब होता है धमकी देना। तो यहाँ पे जो है पेन नहीं होता है, हल्की सी ब्लीड होती है, सर्वाइकल ऑस क्लोज रहता है और ये एक तरह की धमकी होती है कि अबॉर्शन हो जाऊंगा, ऐसा इंडिकेशन होता है। और इस अबॉर्शन के, अगर इस तरीके का अबॉर्शन है लेडी के अंदर, तो यहाँ पे कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, फ्लूड देते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और इसके अलावा इस अबॉर्शन की कंडीशन में, इस तरह की कंडीशन में अबॉर्शन हो भी जाता है और नहीं भी हो 50-50% चांसेज होते हैं, इसलिए इसको थ्रेटन्ड अबॉर्शन कहते हैं। दूसरा इनइवाइटेबल अबॉर्शन जो है, इस अबॉर्शन को अपन रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑस जो है वो ओपन हो जाता है और यहाँ पे अबॉर्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और अगला है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में ऑस ओपन रहता है, परवेजेनल ब्लीडिंग के साथ में पेन बहुत सीवियर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, इन तीन अबॉर्शन को हमने डिफाइन किया, तो ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका परवेजेनल टिश्यू आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग जो है उसमें लोअर एब्डोमेन का पेन है, इसका मतलब ये अबॉर्शन कौन सा है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। These all are the feature of incomplete abortion.
इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा टिश्यू, थोड़ा सा कुछ पार्ट अंदर रह जाता है। और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि पूरा बच्चा अंदर रहता है तो इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है, और कुछ पार्ट और टिश्यू अगर अंदर रह जाता है तो पर विजनल ब्लीडिंग बहुत सीवियर होती है। तो सीवियर टाइप की ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए करेक्ट आंसर है सी, दैट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ट्विन प्रेगनेंसी का मतलब होता है टू चाइल्ड, दो बच्चे जब साथ में होते हैं उसको ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी। थोड़ा और अबॉर्शन को अपन क्विक रिवाइज के रूप में अगर देखें तो देखिएगा अबॉर्शन के ये जो डिफरेंट टाइप है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इस चार्ट से आप इस अबॉर्शन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि जो अबॉर्शन के डिफरेंट टाइप है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे अबॉर्शन में एक थ्रीटन अबॉर्शन है, एक अबॉर्शन आपका इनइवाइटेबल है, एक अबॉर्शन कंप्लीट अबॉर्शन है, एक मिस्ड अबॉर्शन है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। तो अबॉर्शन के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, इन टाइप्स का मीनिंग क्या होता है, इन टाइप्स के अंदर कब बच्चा जिंदा होता है कब नहीं होता है, किस में ऑस क्लोज होता है किस में ऑस बंद रहता है, इन सब बातों को अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो एक छोटा सा चार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसको देखिएगा कि यहाँ पे अबॉर्शन के टाइप है। सबसे पहला टाइप देखिएगा लिखा हुआ है थ्रीटन अबॉर्शन। अब थ्रीटन अबॉर्शन में क्या होता है, ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है, हमने बोला सिर्फ धमकी वाली ब्लीडिंग होती है, हल्की सी ब्लीड होती है। अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशन एज यूट्रस का साइज रहता है और ऑस जो है वो क्लोज रहता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है। और यूएसजी के अंदर बच्चा जो है वो लाइव रहता है, ये थ्रीटन अबॉर्शन की कहानी है। अगर मैं आपको इनइवाइटेबल अबॉर्शन की बात करूं तो इनइवाइटेबल अबॉर्शन को सीवियर टाइप की ब्लीडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे यूट्रस का साइज बहुत छोटा हो जाता है और ऑस जो है वो ओपन रहता है ना, और यहाँ पे बच्चा जो है वो डेड होता है। इनइवाइटेबल मतलब जिस अबॉर्शन को आप रोक नहीं सकते, दैट इज इनइवाइटेबल अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन जो है इसके अंदर भी ब्लीडिंग बहुत सीवियर होती है, इसके अंदर भी यूट्रस का साइज स्मॉल होता है और इसके अंदर भी ऑस जो है वो ओपन होता है, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यहाँ पे रिटेन रहता है। यहाँ पे बच्चा डेड होता है, यहाँ पे आधा बच्चा बाहर आ जाता है लेकिन कुछ पार्ट अंदर रिटेन रहता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। तो ये जरा सा डिफरेंस है इनवाइटेबल और इनकम्प्लीट में, बाकी बातें लगभग सेम है। अगर मैं कंप्लीट अबॉर्शन की बात करूँ तो कंप्लीट अबॉर्शन में आप देख सकते हो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप रहती है ना, क्यों, क्योंकि यूट्रस का साइज भी एकदम नॉर्मल हो जाता है और इसका ऑस भी क्लोज रहता है, और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप इसलिए होती है क्योंकि यूट्रस एकदम एम्प्टी होता है, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल आउट हो गया, तो पूरा यूट्रस एम्प्टी हो गया। यूएसजी में एम्प्टी यूट्रस दिखेगा, ऑस क्लोज हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ये कंप्लीट अबॉर्शन की निशानी है। और मिस्ड अबॉर्शन किसको कहते हैं, मिस्ड अबॉर्शन में ब्लीडिंग एब्सेंट होती है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। स्लाइट ब्लीड बोले तो थ्रीटन्ड है, ब्लीडिंग एब्सेंट है तो मिस्ड है, ब्लीडिंग सीवियर है तो इनइवाइटेबल या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट में रिटर्न प्रोडक्ट रहेगा और कंप्लीट हो तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पे। एब्सेंस है, अगर आप यूट्रस की साइज की बात करें तो स्मॉल रहेगी मिस्ड में भी, और मिस्ड में भी ऑस जो है वो क्या रहता है, क्लोज रहता है, और मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा जो है वो क्या रहेगा, डेथ रहेगा लेकिन यूट्रस के अंदर रहेगा। अब फर्क यह है इनइवाइटेबल और मिस्ड के अंदर, इनइवाइटेबल में ऑस आपका ओपन रहता है और मिस्ड में ऑस क्लोज रहता है, लेकिन दोनों में ही बच्चे मदर के वूम यूट्रस में होता है और डेड होते हैं। यूट्रस की साइज दोनों में ही स्मॉल होती है और यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत सीवियर होती है, और यहाँ ऑस क्लोज होने की वजह से ब्लीडिंग एब्सेंट होती है, ये फर्क है दोनों के अंदर। तो ये कुछ स्लाइड से डिफरेंस है, चार्ट से आप अच्छे से याद रख सकते हो। अबॉर्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीट एट। सवाल ने आपको पूछा है जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो कौन से टाइम में कंप्लीट हो जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस वर्ड का सिंपल सा मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, दैट इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन का फॉर्मेशन होना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है, और ऑर्गेनोजेनेसिस का जो पीरियड होता है वो होता है 0 to 12 weeks ऑफ गेस्टेशन। पहले जो 12 वीक होते हैं जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 months प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 months ये ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड कहलाता है। और इस ऑर्गेनोजेनेसिस के पीरियड के अंदर 12 वीक्स के अंदर 2 weeks जो होता है ये जाइगोट के होते हैं, 2 weeks तो किसके होते हैं, जाइगोट के होते हैं। इसके अलावा 6 weeks यहाँ पे एम्ब्रियो के रहते हैं, 6 weeks इसके रहते हैं एम्ब्रियो के रहते हैं, और इसके अलावा 4 weeks जो है ये फीटस पीरियड के रहते हैं, 4 weeks फीटस के। और इन सबको ऐड करो आप तो ये सारे के सारे पीरियड जो है ये क्या कहलाएंगे, 12 वीक हो जाएंगे, 6 और 4 और 10 और 2 12।
अब आपको पूछा है कब कंप्लीट हो जाता है, 2 वीक आफ्टर ओवुलेशन के 2 वीक बाद में, नहीं, 6 वीक आफ्टर ओवुलेशन 6 वीक बाद में, ये भी नहीं, ओवुलेशन का 2 वीक है और 6 और 2 तो 8 ही होते हैं, 8 वीक आफ्टर ओवुलेशन तो 8 ये हो गए और 2 ओवुलेशन का अगर हम माने वहां पे तो 10 हो जाते हैं, और 18 वीक तो ये बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ा कम था, ये बहुत ज्यादा है, ये ठीक ठाक है, हालांकि एक्यूरेट नहीं है पर ये ठीक ठाक है। ओवुलेशन के बाद में 8 वीक तक के पीरियड को ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, ये बात अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है, बाकी नॉर्मली 12 वीक तक होता है ये, तो 10+2=12 होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, 8 वीक आफ्टर ओवुलेशन, ए बी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है, बहुत ही बढ़िया। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का फॉर्मेशन मदर के वूम के अंदर, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 32 ईयर्स ओल्ड वुमन हु इज नाउ इन हर 5th प्रेगनेंसी, 5वीं प्रेगनेंसी लेके आई है लेडी, विद 4 अलाइव चिल्ड्रन प्रेजेंट इन ए एंटीनेटल क्लिनिक, 4 पहले जिंदा बच्चे है ना, पहले बच्चे चारों ही जिंदा है और अभी 5वीं प्रेगनेंसी लेके वो प्रेजेंट हुई है एंटीनेटल क्लिनिक के अंदर, इन डायग्नोस्ड एज ए केस ऑफ एनीमिया, और उसको एनीमिया का केस डायग्नोस आप कर रहे हो, कॉज ऑफ एनीमिया क्या रहेगा, है ना, लेडी जो पहले 4 बार प्रेगनेंट डिलीवर कर चुकी है बच्चे, अलाइव बच्चे, ये 5वीं प्रेगनेंसी है और ये अभी लेडी जो है एंटीनेटल क्लिनिक में आई और आपने एनीमिया डायग्नोस किया, तो उसको कौन सा एनीमिया हो सकता है, फोलेट डेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन सा एनीमिया होने की संभावना होती है जिसको 4 डिलीवरी पहले हो चुकी है और अभी ये 5वां डिलीवरी है, फटाफट से जवाब लिखिएगा, लेट्स सी हाउ कैन यू मैनेज सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन है, अगर आपको वास्तव में ऐसा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, शेयर इट टू द मैक्सिमम पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिंदगी में इंसान वही जो इंसान के काम आए, और अगर आप में जरा सा भी नोबिलिटी है, जरा सा भी मोरलिटी है, जरा सा भी इंसानियत अगर आप समझते हैं किसी चीज को लेके, तो डेफिनेटली आप शेयर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है और मेरा भरोसा सिर्फ आप लोग है, तो आप लोगों को विश्वास करना है इस कंटेंट पे, विश्वास करना है इस चैनल के ऊपर, विश्वास करना है अपने आप पे और विश्वास करना अपने माता पिता के ऊपर, वो माता पिता जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास किया, वो हर समय आप पे विश्वास करते हैं, हर समय आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, अगर उनकी दुआएं भी रहती है भगवान से तो पहली दुआ यही होती है कि मेरा बच्चा हमेशा सही रहे, तो आप उन माता पिता के जिनकी दुआ अपने बच्चों के लिए रहती है, उन बच्चों की आप इस कंटेंट को शेयर करके मदद कर सकते हैं, तो ये आपका अपना चैनल है और शेयर जरूर करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे, पीक तक पहुंच पाएंगे, और यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला और मैक्सिमम लोगों ने सही बोला कि सर मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कौन सा एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एनीमिया के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यही होता है ना, एनीमिया में मोस्ट कॉमन जो न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, अगर कोई पूछा जाए न्यूट्रिशन की तरफ से, न्यूट्रिशनल एनीमिया में सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया माइक्रोसाइटिक होता है, ये माइक्रोसाइटिक आरबीसी से संबंधित है, आरबीसी का साइज जो है वो छोटा देखने को मिलता है, स्मॉल होता है, उसको माइक्रोसाइट कहते हैं, और हाइपोक्रोमी का मतलब होता है इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है वो भी कम देखने को मिलेगा, तो छोटी आरबीसी और लेस हीमोग्लोबिन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया कहलाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो सीरम फेरिटिन होता है, ये एग्जाम का बहुत फेमस वाला है, सीरम फेरिटिन, फेरिटिन जो है वो स्टोर फॉर्म आयरन को कहते हैं, और सीरम फेरिटिन का लेवल ब्लड में चेक करते हैं, वो कम है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कंफर्म करता है, और इसके ट्रीटमेंट में आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, यहां पे भी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन लेके आए हैं। 22 ईयर्स ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा प्रेजेंट टू यू एट 14 वीक ऑफ गेस्टेशन सी इज कंसर्न अबाउट नॉर्मेलिटी ऑफ फीटस, एट वॉट टाइम यू विल एडवाइज हर डिटेल फीटल एनोमली स्कैन। एक लेडी जो कि प्राइमी ग्रेविडा है और 14 वीक ऑफ गेस्टेशन में आपके पास आ गई है और आपको बोल उसको उसका जो कंसर्न इश्यू है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो है कि मेरा बच्चा सही है कि नहीं है, है ना, मेरा बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है, जो फीटस अंदर है वो नॉर्मल है कि नहीं, ये उसका कंसर्न है, ये उसकी प्रॉब्लम है, तो आप एज ए नर्स क्या एडवाइस करेंगे कि फीटल एनोमली स्कैन कब कराना होता है,
कब आपको करवा के पता करना होता है कि बच्चा सही है या नहीं, और स्कैन का टाइम क्या होता है। टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कतई जहर क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, 22 to 24 week, 14 to 16 week ऑफ गेस्टेशन, 18 to 22 week ऑफ गेस्टेशन, 10 to 14 week ऑफ गेस्टेशन। एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा एनोमली स्कैन का, फीटल एनोमली स्कैन, इसका टाइम पीरियड आपको पूछा है। तो देखिएगा, फीटल एनोमली स्कैन जो होता है, फीटल एनोमली स्कैन जो होता है, उसका सबसे बेस्ट और सबसे एग्जैक्ट टाइम पीरियड कौन सा होगा, 18 to 22 week ऑफ गेस्टेशन। बी खोटा है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी खोटा जवाब है। 14 to 16 थोड़ा अर्ली है, 22 to 24 लेट है, और 10 to 14 तो बहुत ज्यादा अर्ली है। तो दो पीरियड, डी और डी में जो पीरियड दिया हुआ है ये अर्ली पीरियड है, और ए में जो दिया हुआ ये लेट पीरियड है। एग्जैक्ट टाइम पीरियड की मैं बात करूंगा तो होगा 18 to 22 week ऑफ गेस्टेशन, और इस टाइम पे आपको फीटल एनोमली स्कैन करना होता है, जिसे फीटल में क्या एनोमली है उसका पता लगाया जा सकता है, और उसको जो भी एनोमली है वो मदर को एक्सप्लेन करना होता है। और ये करना, पता करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कोई एनोमली है और लेडी चाहती है वो एमटीपी करवाना, तो यहाँ पे एमटीपी पॉसिबल है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पॉसिबल है 18 to 22 week पे, क्योंकि वायबिलिटी का टाइम पीरियड अभी से स्टार्ट होगा 22 week के बाद में, उससे पहले तो जो है आप एमटीपी एक्ट जो है वो कहता है कि अबॉर्शन करवा सकते हैं, तो यहाँ पे एमटीपी का काम चल सकता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट और कतई जहर क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। 18 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविड कम इन इमरजेंसी एट 32 वीक ऑफ गेस्टेशन, सी इज कंप्लेनिंग ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन। पहली बात तो क्या हो रही है उसकी, विजन में ब्लरिंग हो रही है, ब्लरिंग ऑफ विजन, ग्रॉस एडिमा, ब्लरिंग ऑफ विजन, दिखने में प्रॉब्लम, प्राइमरी ग्रेविड है, दिखने में प्रॉब्लम, आंखों के आगे चकाचौंध हो रही है, ग्रॉस एडिमा है पूरी बॉडी के ऊपर, और जब हम एग्जामिन किया तो उसका बीपी आ रहा है 170-115, दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस आपका रहेगा? बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब आप लोग छा गए हैं, ये ज्ञान आपको एक दिन एक बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जाएगा। बिना ऑप्शन के जब जवाब निकलने शुरू होते हैं ना, तो इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली आप एक सही जगह पे, सही ट्रैक पे, सही लाइन पे, और ये लाइन को बनाए रखिएगा, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है, दिखा दीजिएगा, और इसी विश्वास के साथ में इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला, आप जितने लोगों का भला कर सकते हैं जिंदगी में करिए, और नेकी कल दरिया में डाल, किसी को गिनाने की जरूरत नहीं है, नेकी करो और भूल जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सफलता का मंत्र है। क्योंकि पता है क्या होगा, एक दिन हम कहाँ जाएंगे, एक दिन हम वहाँ जाएंगे उस परमपिता परमेश्वर के पास में, और फिर वो पूछेगा कि क्या किया था, तो आपके पास में एक जवाब होना चाहिए आंख में आंख डाल के कि राजू सर के नाम से YouTube चैनल को मैंने शेयर किया था इतने लोगों को, वो नंबर सिर्फ आपको पता होना चाहिए, उसी को बताना, सीक्रेट है, अपने पास में रखना। चार ऑप्शन को जरूर पढ़ना, नाम है हाइपरटेंशन, नाम है रीनल डिजीज, नाम है इक्लेम्सिया, नाम है प्रीक्लेम्सिया, चार बीमारी है, तीन सिम्टम है, तीन सिम्टम क्या है, विजन के अंदर ब्लरिंग हो रही है, विजन के अंदर क्या हो रही है, ब्लरिंग हो रही है, और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाइपरटेंशन, और साथ में एडिमा है। तो एडिमा, हाइपरटेंशन और ब्लरिंग विजन, तीनों कंडीशन इंडिकेट करती है प्रीक्लेम्सिया को। बहुत अच्छे, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दीज ऑल कंडीशन इंडिकेट प्रीक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी के दौरान प्राइमरी ग्रेविडा में ये सारे सिम्टम प्रीक्लेम्सिया, इट्स नॉट सिम्प जस्ट हाइपरटेंशन, इट्स नॉट रीनल डिजीज, और ये इक्लेम्सिया नहीं है, बिकॉज अगर इसमें सीजर ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, सीजर, अगर इस लेडी को इस कारण की वजह से सीजर आने लग जाते हैं तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, इक्लेम्सिया। लेकिन एट प्रेजेंट जो सिम्टम है, जिस सिम्टम के साथ में लेडी प्रेजेंट हुई है, ये सिम्टम प्रीक्लेम्सिया का है, अभी तक ये इक्लेम्सिया नहीं हुआ, और जब सीजर आएंगे तो यही प्रीक्लेम्सिया क्या बन जाएगा, इक्लेम्सिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूं। 30 ईयर ओल्ड G3 दैट इज ग्रेविडा थर्ड पैरा 2 एट 28 वीक ऑफ गेस्टेशन प्रेजेंट विद सीवियर पेन इन द राइट फ्लैंक रेडिएट टू हर ग्रोइन। G3P2 है, 28 वीक गेस्टेशन लेके आई है और सीवियर पेन हो रहा है उसको, राइट फ्लैंक रेडिएट हो रहा है ग्रोइन एरिया के अंदर, राइट फ्लैंक एरिया में हो रहा है जो ग्रोइन एरिया में रेडिएट हो रहा है। बात पते की है, बस यही जवाब बनेगा। सी ऑल्सो कंप्लेन ऑफ राइगर एंड चिल। देखो साहब, मतलब जो सिम्टम थे, मतलब होता है ना, बाबा जी पहले से काले थे और ऊपर से बबूती ओढ़ लगा दी,
तो जो सिम्टम थे उसके साथ में और ऐसे सिम्टम ऐड किए तो अब तो यही होगा, वो वाली बात हो जाती है। यूरिन एनालिसिस किया, और देखो क्या मजेदार बातें बता रहा है। यूरिन एनालिसिस आपने किया और वो बता रही है न्यूमरस पस सेल है वहां पे, बातें बड़ी पते की है। राइट फ्लैंक पेन जो ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है, साथ में राइगर और चिल्स आ रहा है, ठंड लग रही है, थोड़ा चिल्स हो रहा है, राइगर हो रहा है, कंपकपी हो रहा है, और पेशाब का जब आपने जांच कराया तो उसमें पस सेल है, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा अपेंडिसाइटिस, क्या ये अपेंडिसाइटिस के साइन है, क्या हो सकते हैं, मे बी आप दिमाग लगाइए अपना। नेक्स्ट पाइलोनेफ्राइटिस, राउंड लिगामेंट टॉर्सन, मैकल्स डाइवर्टिकुलम, जो आप लिखिएगा राइट फ्लैंक रेडिएट टू ग्रोइन, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लड, यस 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 एब्सोल्युटली यस, स्पाइलोनेफ्राइटिस, दीज ऑल आर द साइन ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन और पस फॉर्मेशन हो गया है रीनल पेल्विस में, और नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लामेशन और पस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसकी वजह से पस की वजह से राइट फ्लैंक में पेन, ग्रोइन में रेडिएट फीवर विद चिल्स, और यूरिन में पस सेल, सारी की सारी कहानी किडनी डिजीज को इंडिकेट करती है। राइट फ्लैंक में पेन बी करेक्ट आंसर है, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया उस लेडी को, बी इज द करेक्ट वन। ये अपेंडिसाइटिस नहीं है, अपेंडिसाइटिस में जो राइट इलाइक फोसा में पेन होता है, आरआईएफ पेन होता है, वो मैकबर्नीज पॉइंट होता है, मैकबर्नीज पॉइंट उसका जिक्र होता है। राउंड लिगामेंट टॉर्सन में फीवर और चिल्स ये नहीं होगा, राइगर्स नहीं है, मैकल डाइवर्टिकुलम के साइन ये नहीं होते, तो ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी करेक्ट आंसर है, इट्स पाइलोनेफ्राइटिस। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन है, और बात बड़ी पते की है कि डायबिटीज जो कंट्रोल है वो इंपॉर्टेंट है बिफोर कंसेप्शन टू रिड्यूस, है ना, कंसेप्शन से पहले, सी कंसेप्शन से पहले डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है, किसको रिड्यूस करने के लिए। पहला ऑप्शन है द इंसिडेंस ऑफ, कौन से इंसिडेंस, पहला है मैटरनल नेफ्रोपैथी, सेकेंड है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, थर्ड है कंजेनाइटल एनोमली, और लास्ट है मैटरनल रेटिनोपैथी। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है वो कंसीव करना चाहती है तो कंसीव करने से पहले उसकी डायबिटीज को बढ़िया कंट्रोल करो। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है कंसीव करने से पहले, ये बहुत बात बताएगी। तो यहाँ पे मैं कंसीव करने से पहले डायबिटीज के कंट्रोल की बात करूँ, हालांकि डायबिटीज का कंट्रोल करना जरूरी है नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, इन सब चीजों को रोकने के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूं डायबिटीज का कंट्रोल का प्रेगनेंसी से या कंसीव करने से रिलेशन, तो फिर मैटरनल नेफ्रोपैथी, कीटो एसिडोसिस या रेटिनोपैथी हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जब ये कंसीव करेगी तो अंदर बच्चा बनेगा, और अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो कंजेनाइटल एनोमली होगी फीटस के अंदर। बहुत सारी कंजेनाइटल एनोमली जो है वो फीटस में होती है, डायबिटिक मदर वाले फीटस के अंदर। तो फर्स्ट पीरियड जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस का है, और उस समय आपने डायबिटीज कंट्रोल रखा तो कंजेनिटल एनोमली नहीं होगी फीटस में। तो सी यहां पे करेक्ट आंसर है, टू प्रिवेंट कंजेनिटल एनोमली वी मस्ट हैव टू कंट्रोल डायबिटीज, शुगर को कंट्रोल करना जरूरी है, उसके बाद लेडी कंसीव करें, ये बात बहुत पते की है। उसका हीमोग्लोबिन A1C की वैल्यू जो है उसको नॉर्मल रखना जरूरी है, उसका ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल रखना कतई जरूरी है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा एक और कतई जहर क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी वुमन इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के अंदर प्रेग्नेंट वुमन में हार्ट डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द पाकिस्तान, कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंट्री से संबंधित क्वेश्चन दिया है। तो मोस्ट कॉमन कॉज बताना है हार्ट डिजीज का प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, ऑप्शन लिखिएगा, देखिएगा कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रूमेटिक हार्ट डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट कॉमन कोज हार्ट डिजीज का प्रेग्नेंट वुमन में इन पाकिस्तान, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रूमेटिक हार्ट डिजीज, एंड द करेक्ट आंसर इज RHD, दैट इज रूमेटिक हार्ट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हार्ट डिजीज इन प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन में हार्ट डिजीज का कारण होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज, पाकिस्तान के अंदर ये मोस्ट कॉमन कारण के रूप में माना जाता है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज बच्चों में होता है जन्म के समय, कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यहाँ पे खोटे जवाब है, तो ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी करेक्ट आंसर है, रूमेटिक हार्ट डिजीज,
जो कि एक परिणाम होता है रूमेटिक फीवर का। किसका होता है? रूमेटिक फीवर का। रूमेटिक फीवर जो होता है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसे डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है, और जिसका कारण रहता है सोर थ्रोट। क्या कारण है? सोर थ्रोट 2 to 4 weeks ago, और जिसका पॉजिटिव ओरिजिन रहता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक। ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक इज द पॉजिटिव ऑर्गन दैट कॉजेस सोर थ्रोट, और उसके 2 to 4 weeks बाद में एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसको बोलते हैं रूमेटिक फीवर। और ये रूमेटिक फीवर में अगर कार्डाइटिस हो जाता है, क्या हो जाता है? कार्डाइटिस, तो उसको हो जाता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। समझ रहे हो बात को? और जिसमें मोस्ट कॉमन अफेक्ट होने वाला वाल होता है मिट्रल वाल, और मिट्रल वाल में क्या होती है? स्टिनोसिस, इसको बोलते हैं मिट्रल स्टिनोसिस। और मिट्रल स्टिनोसिस जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर है, सब बात एक दूसरे से कोलिंग है, और यही प्रेगनेंसी में हार्ट डिजीज का मोस्ट कॉमन कारण बनता है रूमेटिक हार्ट डिजीज। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ए लेडी कम विद G5P4 इज एडमिटेड इन लेबर रूम विद हिस्ट्री ऑफ 32 week gestation, माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन। ऑन एग्जामिनेशन हर ब्लड प्रेशर 140/100 mmHg, एब्डोमेन इज टेंस टेंडर एंड हार्ड, फीटल हार्ट साउंड आर नॉट ऑडिबल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेडी प्रेजेंट हुई है लेबर रूम में, 32 week का गेस्टेशन है, प्रीवियस G5P4 है, और अभी माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन भी है, उसको दर्द भी है। ऑन एग्जामिनेशन उसका ब्लड प्रेशर 140/100 भी है, और उसका एब्डोमेन जो है वो थोड़ा टेंस है, टेंडर है और हार्ड है। तो ब्लीडिंग डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग हो रही है और वायबिलिटी में लेडी, तो दो ही कारण होते हैं, एक होता है एब्रुक्चो प्लासेंटा और एक होता है प्लासेंटा प्रीविया। ये दो ही कारण होते हैं, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुक्चो प्लासेंटा, ये दो ही कारण होते हैं एंटीपार्टम हेमरेजी के, और ये एंटीपार्टम हेमरेजी है, एपीएच हो रहा है, और इसके दो ही कारण है एब्रुक्चो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले परवेजनल ब्लीडिंग होना एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है। अब ये जो दो कारण है प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुक्चो प्लासेंटा, इसमें प्लासेंटा प्रीविया जो होता है वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, जबकि यहाँ पे तो पेनफुल ब्लीडिंग है, एब्डोमन जो है वो टेंस है, टेंडर है, हार्ड है, टच करते ही दर्द हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये प्लासेंटा प्रीविया नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पेनलेस होता है। प्लासेंटा प्रीविया तो कैसा होता है? पेनलेस होता है, ये तो पेनफुल है, तो पेनफुल है तो एब्रुक्चो प्लासेंटा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। और एब्रुक्चो प्लासेंटा जो है उसमें कंसील हो सकता है ब्लीडिंग या मार्जिनल हो सकता है, दो इसके टाइप रहते हैं, पूरा एब्रुक्चो प्लासेंटा के टाइप्स है जो ओबीजी में आप पढ़ते हैं। और यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, एब्रुक्चो प्लासेंटा। प्लासेंटा प्रीविया नहीं होगा, ये प्रीटर्म लेबर नहीं है और यूटीआई नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज एब्रुक्चो प्लासेंटा। एंटीपार्टम हेमरेज का एक कारण पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, और पेनलेस हो जाए तो उसको प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, जिसमें प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक इंफॉर्मेशन, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। टाइप करते ही इस लोगो के साथ में 5-star रेटिंग का एक ऐप मिलेगा, ये ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इम्पोर्टेंट रिव्यू अपना लिख दीजिए, ऐप के सारे फीचर आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी के लिए, जो कि इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें इस ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए लेके आएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी आप करना चाहते हो, कंसेप्चुअल स्टडी नॉट सेट क्रैक करना चाहते हो, तो आज ही अप्रोच करें नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो चुकी है, ऑफलाइन इवनिंग बैच अभी रनिंग है, ऑफलाइन मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, मॉर्निंग बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी ज्वाइन करना चाहते हो और एक कंसेप्चुअल स्टडी 6 महीने की ऐसी स्टडी जिसको करके आप नॉर्सेट 2021 को क्रैक करने की हिमाकत कर रहे हो, तो डेफिनेटली टीम नोवल आपके इन सपनों को पूरा कर सकती है। एक कंसेप्चुअल स्टडी, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और इसके अलावा मिनी टेस्ट,
जिसमें दो बातें इंक्लूड है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, इनको मिक्स करके एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट करेगी टीम नोवल आपके लिए जो आपको इन फ्यूचर हर एग्जाम के अंदर मदद करेगा। अगर आप अपने माइंड को उस तरीके का मेकअप करना चाहते हो, अगर आप अपने माइंड को सफलता के शिखर तक पहुंचाने का पुदीना से भरना चाहते हो, तो आज ही टीम नोवल से जुड़ जाइए। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, नए बैच में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। रजिस्ट्रेशन कंफर्म तभी होगा जब आप रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे इस नंबर के ऊपर। फोन पे या गूगल पे कर सकते हो, 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो पे करके आप अपनी सीट को कंफर्म जरूर करें। और नए बैच की डेट बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाली है, मॉर्निंग बैच रहेगा, इवनिंग बैच ऑलरेडी रनिंग है। तो आज ही इस टीम से जुड़ के आप अपने भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट का नाम है लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथी पर और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन और कुछ कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए MCQ सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।